छुट्टा पशुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार सड़क पर दिखने वाले पशुओं को गौ संरक्षण केंद्र में पहुंचाया जाए, लेकिन नगर निगम जो इनके संरक्षण के लिए कार्यदायी संस्था है वो भी फिसड्डी साबित हो रही है। वहीं शहर के बीचों बीच छुट्टा पशुओं के घूमने से यातायात भी बाधित हो रहा है और दुर्घटना भी होने की संभावना भी बरकरार है। हालांकि शहर की सड़कों पर जाम और दुर्घटना के कारण बने पशुओं पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, पशुपालकों पर जुर्माना भी लग रहा है, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने कहा, सर आज शहर में देखा जा रहा है कि छुट्टा पशु झुंड बनाकर इकट्ठा हो रहे हैं, से यातायात बाधित हो रहा है। मध्य प्लाजा के सामने भी और कई जगह पे भी छुट्टा पशु घूम रहे हैं, सर इन पर क्या कार्रवाई चल रही है? जी, स्ट्रे एनिमल्स या निराश्रित गोवंश और निराश्रित पशुओं पर नगर निगम गोरखपुर के द्वारा उन्हें पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। एक्चुअली जो अधिकांश जो पशु या ये कहिए कि जो गोवंश दिखाई पड़ते हैं वो पशुपालकों के होते हैं, तो पशुपालकों उनको दिन में उन्हें मतलब लापरवाही करके उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित होता है, वो चौराहों पर बैठते हैं। तो नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान अनवरत रूप से चलाया जा रहा है और डेली हमारी गाड़ियाँ जो है पशुओं को पकड़ रही हैं, तो पशुपालकों से हम चालान की वसूली करते हैं, जिसमें गाय के लिए 5,000 रुपये चालान की व्यवस्था है और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये चालान की व्यवस्था है। और इसमें किसी तरह की कोई छूट, किसी तरह का कोई भी डिस्काउंट नहीं ऑफर किया जाता है। जिसकी भी अवैध इस तरीके से पशु पकड़े जाएंगे उन्हें इसका चालान देना पड़ेगा। बाकी जो अन्य जो गोवंश हैं उन्हें जो है पकड़ने में कुछ समस्याएँ भी सामने आती हैं, क्योंकि दिन के समय में उनको अगर बहुत बड़ा अभियान चला के पकड़ा जाए तो यातायात बाधित हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि थोड़े थोड़े हिसाब से हम इसको कार्रवाई कर रहे हैं और डेली के हिसाब से हम पशुओं को पकड़ रहे हैं और उन्हें फिर विस्थापित किया जाता है कान्हापन में या अन्यत्र जगहों पर। तो मेरी एक अपील है विशेषकर गोरखपुर वासियों से और पशुपालकों से कि जो अगर उनके पशु हैं तो उनको वो मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंसान की तरह उनको अनुशासन सिखाएं, लेकिन उनको भी एक अनुशासन की आवश्यकता होती है, उनको कहीं भी जो है छोड़ ना दें, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी होता है और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि यातायात व्यवस्था और सारा कुछ ये उनके जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो नगर निगम द्वारा अनवरत लगातार ये अभियान चलाया जाएगा, डेली बेसिस पे निराश्रित गोवंश को जो है वो किया जाएगा, उन्हें विस्थापित करके ले जाया जाएगा कान्हापन में। तो मेरे अपील है कि लोग पशुपालक अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएँ। धन्यवाद।